अभी आपने देखा कि मैंने ये क्या किया, बेसिकली इसे कहते हैं हम RAPD का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव एफरेंट ट्यूबुलरी डिफेक्ट। बेसिकली जिसके पर्दे में प्रॉब्लम होती है, जिसके ऑप्टिक नर्व में प्रॉब्लम होती है, तो इस टेस्ट के द्वारा हम चेक कर सकते हैं कि वेदर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। और अगर हमें लगता है प्रॉब्लम तो हम पेशेंट की आई डायलेट कर सकते हैं, उसके बाद पर्दा अच्छे से चेक कर सकते हैं। इसको करने का तरीका कैसे है, सबसे पहले हमें रूम को हमें डार्क कर देना है सबसे पहले, उसके बाद हमें पेंट पास लेनी है और एक आंख के ऊपर हमें फ्लैश करनी है। तो जैसे ही हम एक आंख के ऊपर फ्लैश करेंगे पिपिल कंस्ट्रिक्ट करेगा, उसके बाद स्विंग करते हुए दूसरी आंख की तरफ हम लेके जाएंगे, वहां पे फ्लैश करेंगे, फिर वापस आएंगे एलोपेनिया पे, फिर हम फ्लैश करेंगे। अगर इसमें रिलेटिव एफरेंट पिपिलरी डिफेक्ट हुआ तो ये पिपिल जो है कंस्ट्रिक्ट करने की जगह डायलेट होगा और हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर RAPD है। RAPD के फर्दर ग्रेड होते हैं, Grade 1, 2, 3 and 4। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि अगर बहुत सारे पेशेंट्स को हेल्प कर सकती है जिनको पर्दे में प्रॉब्लम है, उनके साथ शेयर करिए।